नमस्कार, बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अधिकारियों की पोस्टिंग के बारे में। यूपीएससी के पास हुए वैसे छात्र जिनको कि अब जो है जिला पोस्टिंग अलॉटमेंट शुरू हो गया है, ऐसे में आज हम जानेंगे कि बिहार के टॉपर रहे शुभम कुमार को कौन सा जिला मिला है, साथ ही साथ वो कौन से ऐसे और भी नाम है जिनको कि कौन कौन से जिले डिप्यूट किए गए हैं। यूपीएससी परीक्षा 2021 में बिहार का परचम लहराने वाले शुभम कुमार की पहली पोस्टिंग हो गई है। शुभम कुमार के साथ साथ बिहार में 10 अधिकारियों को तैनात किया गया है, जिसमें से 5 महिलाएं हैं। आपको बता दें कि ये सभी अधिकारी अभी हाल ही में मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से व्यावहारिक पाठ्यक्रम चरण 1 का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। ऐसे में अब उन्हें अगले महीने से जिला प्रशिक्षण के लिए जिला का आवंटन कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये अधिकारियों को जिलों में सहायक समाहर्ता, सह सहायक दंडाधिकारी के रूप में रखा गया है। बता दें कि यूपीएससी के टॉपर रहे शुभम कुमार को बिहार का औरंगाबाद जिला मिला है। बिहार में जिन 10 अधिकारियों को तैनात किया गया है, उसमें शैलजा पांडे को पटना, सारा अशरफ को मुजफ्फरपुर, अपूर्वा त्रिपाठी को नवादा, शिवाक्षी दीक्षित को पश्चिम चंपारण और निशा को वैशाली जिला मिला है। वहीं अगर हम आकाश चौधरी की बात कर लें तो इन्हें गया मिला है। सूर्य प्रताप सिंह को दरभंगा, अनिल बसाक को नालंदा, प्रवीण कुमार को पूर्वी चंपारण और शुभम कुमार का हमने पहले ही नाम बताया आपको, औरंगाबाद जिले में तैनाती कर दी गई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो शुभम कुमार का जिस जिले में पोस्टिंग हुई है उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह बालू के अवैध कारोबार को लेकर यह जिला जो है पहले से ही बदनाम रहा है। बता दें कि कुछ माह पहले ही इस जिले में SP और DSP समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों का निलंबन किया गया था। ऐसे में शुभम कुमार के सामने यह बड़ी चुनौती होगी कि वो बालू के अवैध कारोबार को कैसे रोक सकते हैं और उसमें पुलिस प्रशासन की संलिप्तता पाई जाती रही है, उसको कैसे किस तरह से रोक पाएंगे, ये सारी चुनौतियां जो है अब शुभम कुमार के सामने होंगी। आपको बता दें कि शुभम कुमार साल 2021 UPSC के टॉपर हैं। वह बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। शुभम ने IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई की है। इसके बाद शुभम UPSC की तैयारी में जुट गए, जिसका परिणाम आज हम लोगों के सामने है। साल 2021 में UPSC टॉपरों की लिस्ट में उनका नाम सबसे पहले पायदान पर रहा। इसके बाद पूरे बिहार में खुशी की लहर थी। शुभम के इस परिणाम के बाद से बिहार का नाम तो उन्होंने रोशन किया ही किया, साथ ही साथ उनके सामने जो है अब एक बड़ी चुनौती सामने आई है, जो कि UPSC परीक्षा पास होने से भी एक बड़ी चुनौती के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। खासकर उनके कार्य क्षेत्र को लेकर कहा जा रहा है कि जिस इलाके में उनकी पोस्टिंग हुई है वह अवैध बालू खनन को लेकर वह पूरा इलाका जो है पहले से बदनाम रहा, और अब जो है जिस तरह से पिछले साल उसमें पुलिस प्रशासन की संलिप्तता पाई गई और DSP तक के अधिकारियों को उसमें एक तरह से कह लें कि नाम शामिल हुआ है और उन्हें सस्पेंड किया गया है, तो ये अब एक तरह से कह लें कि शुभम कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आई है। ऐसे में बस अब लोगों की बस यही उम्मीद है कि बालू खनन से लेकर हो रही घटनाएँ को कम किया जा सके और जिले में जो है शांति व्याप्त हो सके। आपको बता दें कि शुभम भले ही UPSC की परीक्षा 2021 में पास किए हों, लेकिन उसकी तैयारी उन्होंने साल 2018 से ही शुरू कर दी थी। इस दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तमाम तरह की परेशानियों के बीच से निकलते हुए उन्होंने अपना यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल मेरे लिए सबसे मुश्किल भरा रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने खुद को मोटिवेट किया और आगे की तैयारियों के लिए जुट गए। शुभम के पिता ने बताया कि उनका पढ़ाई के प्रति लगन देखकर लगता था कि वह एक दिन कुछ न कुछ जरूर करेगा। हमने हर संभव प्रयास किया कि उसकी पढ़ाई में कभी भी कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। शुभम ने देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक UPSC की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन अब असली परीक्षा की घड़ी है उनके कार्य क्षेत्र में, जहां आम लोगों के बीच में अमन चैन बनाकर रखने को लेकर सरकार की योजनाओं को कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जा सके, इस तरह की तमाम जिम्मेवारियाँ जो है अब शुभम के कंधे पर होगी। तो ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में शुभम जो है एक अच्छे अधिकारी के रूप में हम लोगों के बीच में सामने आए। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।